बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.6 को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। वो है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। तो आपने ए पहले निकालना, वो कहाँ से आएगा, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। मैं अगर 1 लूँगा पी वन, तो वन से ये वन आ जाएगा, वन माइनस 7। हाँ, मेरे ख्याल वन से आ जाएगा मसला हल, वन माइनस 7 प्लस 6 जो कि 0 आ गया। तो ए हमारा 1 आ गया, एक्स माइनस ए क्या आ गया, एक्स माइनस 1। अब एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को अंदर रखें, एक्स माइनस 1 से डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको आप एक्स से मल्टीप्लाई करें, माइनस 6। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आ गया। तो आपका एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसके मजीद फैक्टर्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करता हूँ, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई क्यूब माइनस 19y प्लस 30। तो ए निकालना है, 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक मिसिंग है, वो प्लस माइनस 15 है। तो अगर मैं 1 डालता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 माइनस 19 प्लस 30 0 नहीं होगा, मुझे ना 2 डालना चाहिए। 2 से ट्राई करता हूँ, तो पी 2 क्या होगा, 2 क्यूब माइनस 19 इंटू 2 प्लस 30, ये 8 आ गया, ये 38 और ये प्लस 30 और ये सारा कुछ 0 आ गया। तो ए आ गया 2, तो एक्स माइनस ए क्या हो गया, एक्स माइनस 2। अब इसको अंदर रखें, सॉरी एक्स नहीं वाई, ये 2 ही था, वाई माइनस 2। वाई माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर तो ये प्लस 2 वाई आ जाएगा, माइनस 4 वाई, इसको माइनस 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 15 वाई प्लस 30, ख़त्म। तो पॉलिनोमियल आपका पी वाई किसके इक्वल आ गया, वाई माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई माइनस 15 के। तो वाई माइनस 2 मजीद फैक्टर्स बनाए इसके, वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 3 वाई माइनस 15, वाई माइनस 2 इंटू वाई कॉमन ले लिया, y प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 5, तो वाई माइनस 2 इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3। बिल्कुल ठीक है जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, 4x क्यूब माइनस 21x माइनस 10।
तो ए निकालना है वो कहाँ से आएगा, 10 के फैक्टर से, जो कि क्या होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10। 1 से मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, 2 डाल के देखता हूँ। 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 21 इंटू 2 माइनस 10, ये 32, ये माइनस 42 माइनस 10, नहीं इससे भी नहीं आया, माइनस 2 डाल के देखता हूँ। 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 21 इंटू माइनस 2 माइनस 10, ये माइनस 32 आएगा, ये प्लस 42, ये माइनस 10, अब ये 0 आ गया। तो ए हमारा माइनस 2 है, तो पी सॉरी नॉट पी, एक्स माइनस ए बराबर है एक्स प्लस 2 के। तो इसको अंदर रखा गिवन एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को एक्स प्लस 2 से डिवाइड किया तो 4 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 10, ये माइनस 8 एक्स आ गया। माइनस 16 एक्स माइनस 5 से किया तो माइनस 5 एक्स माइनस 10, ये आंसर आ गया। तो पी एक्स के फैक्टर्स हमारे क्या क्या आ गया, एक्स प्लस 2 इंटू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 5। अब देखते हैं ये मज़ीद हो सकता कि नहीं हो सकता, 4x² माइनस 8x, ये माइनस 20 बनता है, माइनस 20 के फैक्टर्स जो कि 8 लेके आए। हाँ जी हो सकता, फोर कॉमन ले लिया, 4x कॉमन लिया सॉरी, तो एक्स माइनस नहीं सॉरी गलत कर गया मैं, सारा कॉमन नहीं ले सकते, 2x कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर 2x माइनस 5, इधर से 1 कॉमन लिया 2x माइनस 5, तो एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 1। जब आप चेक करते हैं बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई क्यूब माइनस 3y² प्लस 4, ए निकालना होगा, 4 के फैक्टर्स क्या हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। मेरा ख्याल है कि माइनस 1 करना चाहिए, तो ए आ गया माइनस 1, तो एक्स माइनस ए आ गया एक्स प्लस 1, वाई क्यूब माइनस 3y² प्लस 4 अंदर रखें से सॉरी वाई में ना, तो वाई माइनस ए वाई, इसे वाई प्लस 1 से डिवाइड करना तो ये वाई स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y² प्लस 4 माइनस 4। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ मेरा ख्याल मैंने यहाँ गलती की है थोड़ी सी, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा।
ये माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर आता है ना, तो इसको मुझे माइनस फोर वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई, फोर वाई प्लस फोर, तो अब मुझे प्लस फोर से मल्टीप्लाई करूँगा तो फोर वाई प्लस फोर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो पी वाई किसके इक्वल आ गया, वाई प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर के। तो ये वाई प्लस वन ये असल में क्या है, वाई माइनस टू का स्क्वायर है। बिल्कुल ठीक है हमारा जवाब, और डबल चेक कर लूँ, बिल्कुल सही 11 है, 6y³ माइनस 13y² प्लस 4, तो प्लस माइनस 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4। पी वन करके देखूंगा तो 6 आएगा, माइनस 13 प्लस 4, 6y³ माइनस 13। मैं जवाब सॉरी चेक कर रहा हूँ ज़रा, स्टेटमेंट जो लिखी है 6 माइनस 13 प्लस 4 ठीक नहीं आया। माइनस वन करके देखूंगा तो माइनस 6 आएगा, माइनस 13 प्लस 4 इससे भी नहीं आया। टू करके देखता हूँ, 6 48 52 प्लस 4 ये आ गया 0। तो ए 2 के इक्वल आ गया, तो वाई माइनस ए किसके इक्वल आ गया, वाई माइनस 2 के। तो 6y³ माइनस 13y² प्लस 4 को अंदर रखें, वाई माइनस 2 पर डिवाइड करें, वाई क्यूब 6 वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 12y² माइनस 12y² ये आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। माइनस टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो पी वाई मेरा किसके इक्वल आ गया, वाई माइनस टू इंटू 6y² माइनस वाई माइनस टू के, वाई माइनस टू 6y² सॉरी माइनस 4y प्लस 3y माइनस टू। ये 2y कॉमन आ गया, तो 3y माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2, तो y माइनस 2 इंटू 3y माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1 ये आंसर आ गया। इसको चेक करते हैं, y माइनस 2 इंटू 3y माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 2z³ प्लस 9z² माइनस 8z माइनस 15। तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 15। तो पी वन करूँगा तो 2 आएगा, प्लस 9 माइनस 8 माइनस 15, इससे बात नहीं बनती। पी माइनस वन करता हूँ तो 2 × -1 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 15 ये क्या आता है, माइनस 2 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 15,
हाँ जी ये ठीक है, 9 और 8 17 और ये -17 0 आ गया। तो ए बराबर है -1 के, तो जी माइनस ए बराबर है जी प्लस 1 के। तो 2z³ प्लस 9z² माइनस 8z माइनस 15, इसको डिवाइड करें आप जी प्लस 1 पे, 2z² 2z³ प्लस 2z² 7z² माइनस 8z प्लस 15। 7z से मल्टीप्लाई किया, 7z² प्लस 7z माइनस 15z, सॉरी z प्लस 15, तो माइनस 15 से मल्टीप्ल, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, ये -15 है। जी ये यहाँ पे पता नहीं किस तरह प्लस हो गया, ये -15 है। तो -15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपका पी जी किसके बराबर है, जी प्लस 1 इंटू 2z² प्लस 7z माइनस 15 के। ये है जी प्लस 1 इंटू 2z² माइनस 15 लिखा हुआ। -15 को 2 से मल्टीप्लाई, -30 आता, 30 के फैक्टर्स 10 इंटू 3, तो ये 10z माइनस 3z माइनस 15। जी प्लस 1 इंटू 2 कॉमन, 2z कॉमन ले लिया, तो z प्लस 5 माइनस 3 कॉमन ले लिया, z प्लस 5। तो ये जनाब आ गया z प्लस 1 इंटू 2z माइनस 3 इंटू z प्लस 5। मेरा ख्याल है ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई और फैक्टर्स वाला जो है टॉपिक ख़त्म हो गया। आगे और मुख्तलिफ चीज़ें, उनमें हालांकि फैक्टराइजेशन इस्तेमाल होती है, लेकिन बहरहाल इसके साथ ही अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह टॉपिक 5.7 अगले वीडियो से शुरू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम।